मम्मा ने मुझे साड़ी का पल्लू बनाना नहीं सिखाया, मम्मा ने मुझे बल्ब ठीक करना सिखाया, मम्मा ने मुझे साड़ी के प्लीट्स टक करना नहीं सिखाया, मम्मा ने मुझे गार्डनिंग सिखाई, मम्मा ने मुझे साड़ी पहनना नहीं सिखाया, हेयर मेकअप नहीं सिखाया, घर की पॉलिटिक्स नहीं सिखाई, लेकिन जिंदगी से लड़ना जरूर सिखाया। टूटे हुए सामान को जोड़ना सिखाया, सहजना सिखाया, उन्होंने मुझे बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाई, फ्यूज जोड़ना सिखाया, गाड़ी ठीक करना सिखाया, फर्स्ट एड करना सिखाया, बेचारी बनना नहीं सिखाया। किसी के सहारे के बिना जीना सिखाया है, इसीलिए मैं कभी बहु मटेरियल बन ही नहीं पाई। मैं सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष कॉन्वेंट लड़की कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तो वो स्ट्रांग लड़की हूं जो अपने कंधे पे सिलेंडर रख के दो माला चढ़ सकती है, और मेरी मम्मा ने मुझे ऐसा बनाया एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बस एकदम चुप। लेकिन मैंने जो कहा वो ठीक इनफ है मेरा। पर अंदर जाओ। गुस्सा किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ये बात उन लोगों को समझाओ। गुस्से में उन्होंने मुझे कोसा, मेरी मम्मा को कोसा, इनफैक्ट मेरी अपब्रिंगिंग को भी कोसा, क्या ये सही था? ये नहीं कह रहा। फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी दादी साहब, तुम्हारी मम्मा मुझे बिना बात के जो भी ताने सुनाए मैं सुनती जाऊं, मैं कुछ ना बोलूं। और तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने भी तो नीचे मुझ पर चिल्लाया था ना, क्या वो सही था? मैं ये भी नहीं कह रहा। तो फिर तुम क्या कह रहे हो अरमान? प्रीत, काम डाउन। कोर्ट रूम में लॉयर सही हो या गलत हो, लेकिन उसे कोर्ट रूम का डेकोरम बना के रखना पड़ता है। भले ही जज आपको बोलने भी ना दे, आपको ओवर रूल कर दे, तुम्हारी अपोजिशन का वकील तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम उससे लड़ने, झगड़ने या चिल्लाने तो नहीं लगोगी ना? तुम जैसा चाह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इवन दो तुमने सारी बातें सही बोली, लेकिन तुम कोर्ट रूम में बहुत पेशेंटली काम लोगे तो घर में क्यों नहीं? देखो, इट्स क्वाइट सिंपल। जैसे तुम कोर्ट रूम में बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखोगी, वैसे ही बात अपने घर पे रखो ना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि घर के बड़ों के सामने अपनी बात कहना गलत है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कभी कभी बड़े कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसे लेट गो करना पड़ता है, तो हर बात का जवाब देना सही नहीं होता है। अभी समझ में आया अबीरा? ये रिश्ता क्या कहलाता।